बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द जी फैमिली चैनल। तो ऐ वेखो जी, गड्डी दे शीशे दे उत्ते जमियां जे बर्फां, नहीं बर्फ़ा तो नहीं है। आई नो कैनेडा अमेरिका में रहने वाले लोग कह रहे होंगे जी कि आप इसको बर्फ़ कहते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता है कि आप सुबह सुबह उठो तो आपकी गाड़ी के ऊपर आइस हो। एनीवेज जी, कुछ फ्रॉस्टी वेदर रहा लास्ट वीक में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन मेलबर्न का वेदर बेतबार है, कुछ भी हो सकता है। प्रिटी मच ये पूरा वीक का रिकैप है आपके लिए। एज़ यूजल रूटीन के मुताबिक हांडी रोटी तो साथ साथ चलती रहती है। तो मैं एक दिन बनाया सी विच कीमा आलू, तो मैं क्या चलो जी नाल एदा भी विलॉग थोड़ा जा बना लें। कोशिश कर रही हूँ मैं कि इसको रूटीन पे लेके आऊँ वापस डेली विलॉग पे, लेकिन ये कि कुछ मसरूफियत ऐसी है कि इसकी वजह से जो सा कहना अभी तक डेली विलॉग वाली साइड पर दोबारा वापस नहीं आने हो रहा, तो वीकली विलॉग ही सही, कुछ तो चल ही रहा है। एनी वेज ये है, वेखो जी आलू की माँ फटाफट मैं बना छड़िया, और ये है जी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू होम। माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह फीकुम। मेरी फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है नाज, उन्होंने अपना घर माशाल्लाह से बनाया। तो मैं जी उन्होंने वास्ते बास्केट तैयार की सी, मैं तुम्हें एंड प्रोडक्ट मैं विखा रही हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये बास्केट बनाई कैसे थी। तो ये जी अजान फ्रेम आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, तो मुझे इससे बेस्ट जोन सा था समझ नहीं आ रहा था कि घर का गिफ्ट क्या होना चाहिए, तो मैंने नाज के लिए भी ये अजान फ्रेम ही लिया। साथ ये चॉकलेट फैक्ट्री गए थे तो वहाँ से किए मग और चॉकलेट फैक्ट्री थे, हूँ असी करने जी रैपिंग। ए वेखो जी, एक मेरे को डब्बा सी, डब्बे में मैंने नीचे पहले थोड़ा सा प्लास्टिक डाला थोड़ा सा उसको रेस देने के लिए, और ये रिजेक्ट शॉप के ऊपर से आपको मिल जाते हैं जो मैंने बीच में बुरादा जहा पाया ना ब्राउन ब्राउन जहा, ये वो डाला और उसके बाद मैंने इसका सेटिंग करना शुरू की। साथ में ये आगे मैंने थोड़ी सी जो होती हैं मेल्टिंग कैंडल्स डस्क से ली थी वो ऐड कर दी, और साथ थोड़े से फूल बूटे ऐड करके तो उसकी थोड़ी सी लुक अच्छी हो गई। ना जी मेरा दिल किया पुराना थोड़ा जहा ट्रेडिशनल अपना जो सा होता है कार्ड लेने को, मुझे कार्ड अच्छा लगा तो हूँ मैं उन्होंने रख रुक के वेखनी पी हाँ कि इनू मैं कितने रखा, कभी मैं रखनी हाँ अगे, कभी मैं रखनी हाँ पीछे, कभी वो यानी कि समझ नहीं सी आ रही कि किड़े पास सही नज़र आएगा कि वो आपका जो सा ना बास्केट की लुक भी ख़राब ना और गिफ्ट जाता है ना डेग भी पिया जी हो। एनी वेज, इसका फिर मैंने बाद में सॉर्ट कर लिया था कि मैंने इसको कहाँ रखना है, अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कहाँ रखा था। एवेंचुअली जी अच्छा ये सारा कुछ सेट करके नीचे फ्लोर के ऊपर मैंने बिछा ली थी, क्योंकि बॉक्स थोड़ा सा बड़ा था काफ़ी माशाल्लाह से, तो मुझे उसको टेबल के ऊपर करना ज़रा मुश्किल लग रहा था। तो यह जी जी ना थले बिछा के उसके उत्ते असी रैप रूप किया, उत्ते उन्हें फाड़ फुड़ के टेपां टूपां ला के ते नाल ही असी बो शो ला के ते बाबू बच्चा बना देना उन्हें, तो इन्हें एडा सोहना बन जाना माशाल्लाह। एनीवेज जी, थोड़ी सी चीज़ें आपके पास हों आप उनको थोड़ा सी एफर्ट पुट करो, अपना प्यार शामिल करो, और माशाल्लाह से देखें जी के लुक कैसी अच्छी निकल आती है। ये देखें जी माशाल्लाह से वो लाई, और ए नाल असी वो रिबन शिबन ला के उन्होंने सोना जमा। ये मैंने बैलून लिया और ये कार्ड जी मैंने यहाँ ऐड कर दिया था। नास को प्लांट्स पसंद है तो बुके शुके लेने की बजाय हम लोग उसके लिए प्रेफर करते हैं प्लांट लेना। तो ए जी मेरा पूरा गिफ्ट तैयार, तो ऐ ऐसी पहुँच गए से जी नवे कार माशाल्लाह, गुलाब जामुन मिठाई, तो ये गिफ्ट आशु ने लिया था उसके लिए, और ये माशाल्लाह से जी हम लोग उनको मुबारकबाद। आज इनको कीस मिली थी, अभी प्रॉपर पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए थे, लेकिन सफाई सफुई करके थे जमात कराई गई, पर ईशा की नमाज का टाइम था तो नमाज़ भी पढ़ ली सब ने, और साथ ही जौन सा था हम लोगों ने वहाँ पे केक कटिंग शटिंग करा के तो ना थोड़ी जी अपनी गप शप भी लाई। हाँ जी, ये कितने पकड़ाते थे? एक में दो दो के डालती थी, बहुत बड़ी प्लेट है। और ये जी जो लोग होते हैं पाकिस्तान में उनको तो इसका बड़ा अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। ए जी साढ़े भरा ने क्योंकि बनाया सी कार माशाल्लाह अपना नवा, तो हमारे लिए जी आए थे पाकिस्तान से सबके लिए जोड़े, तो तायरा के लिए, आसिफ भाई के लिए, मेरे लिए, जिशान बच्चों के लिए, आशु जवाद भाई बच्चों के लिए, तो सबके लिए कपड़े आए थे। तो ए फिर सानू नाज के अब्बा जी ने हमें सबको फिर तोहफे तहाइफ दिए थे। ए जी मेरा जोड़ा,
ते ए आशुदा जोड़ा है, उसने माशाला से सिलवा के मंगवाए थे, सबके स्टिच हुए हुए सूट आए हैं। असी तो क्या, चलो जी साड़ी तो ईदा का इंतजाम हो गया, माशाला से बहुत प्यारे गिफ्ट थे। अल्लाह ताला उनके घर में खूब ढेरों खैर व बरकत दे, अल्लाह ताला अपना नूर रोशनी और उसकी खैर रहमतें इस घर पर ढेर सारी नाजिल हों, अल्लाह ताला ढेर बरकतें अता फरमाए। तो माशाला से जी प्यार मोहब्बत है, यही प्रदेश में हमारे बहन भाई हैं, माशाला लाहौला वाला कुत अल्लाह बिल्ला बहुत आपस में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ताल्लुक है, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे बनाई रखे। तो जी बस सारे टब्बर ने असी जरा अपना अपने तोहफे फड़े, तो फिर बड़ा शुगर लगा सी अपने अपने जोड़े वेखने पे। हाँ चले जी, उसके बाद था जी ये बिजनेस एज यूजुअल। बच्चों की मेरी कुछ वैक्सीनेशंस होने वाली थी, पाकिस्तान जाने से पहले हमने ट्रैवल वैक्सीन करवाई थी, तो डॉक्टर ने कहा था जिसकी सेकंड डोज भी आप लगवा लें तो लाइफ टाइम कवर हो जाता है, तो आपको बार बार नहीं लगवानी पड़ेगी। तो वो हमारी ड्यू थी, असी वो करवान गए। और बस जी उसके अलावा एक दिन बीच में जाना पड़ा ऑफिस जिशान के साथ, और वहाँ से फिर हम लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि डिलीवरी थी जो मेरे घर पर डिलीवर हुई हुई थी, वह सामान हमको ड्रॉप ऑफ करना था ऑफिस में। तो उसके बाद असी दोवा ने जी फिर पपीता और थू फलूदा, साथ ही आगा जूस था वहाँ पर ऑफिस के पास। और उसके बाद मैं फरमाइश की थी, मैं कहा बड़े अरसे के बाद हम दोनों निकले हैं, तो मनु नाल ना समोसा चाट भी खानी है। वह बच्चा नहीं होंदा फरमाइशा करन लग पैंदा, मैं ए भी खाना, मैं ए भी खाना। तो मैं उस दिन जिशान दे नाल ओ वाला हाल किया, मैंने ये भी खाना, मैंने ये भी खाना है। तो वो शरीफ आदमी माशाल्लाह, उन्होंने कहा जी खा ला जो तू खाना है। तो एक बस ये हम लोगों ने काफ़ी काम उस दिन किया था, बिज़ी था काफ़ी दिन। तो उसके बाद जो सा ना फिर हम लोगों की अपनी ये थोड़ी सी आउटिंग भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी तुम वेखो साडा फलूदा, तो यह मेरी आ गई समोसा चाट, मैं नवी डिस्कवर की ऑफिस के कोल। ना पहले मैं एक ही ऑफिस के पास, हमारे एक अफगान रेस्टोरेंट था, मैं मोस्टली हमेशा लंच वहाँ से करती थी, तो एक ये नई चीज़ डिस्क्लोज हुई। चलें जी एक और हैक ट्राई किया मैंने, देखा था जी एक बंदी नू कॉफ़ी बना दिया, उन्हें बीट करन दी बजाय ना उन्हें पौनी दे नाल फाड़ के ना उदा बीट किया सी। तो मैंने और मीना ने कहा चलो जी आज हम कॉफ़ी बनाते हैं, ट्राई करते हैं उसको, हैक को ट्राई करते हैं। तो अज असी कॉफ़ी पाई नाल, असी ये पानी है चीनी, ये मैंने स्टैंड वगैरह पे कैमरा नहीं लगाया था, ये मीना बना रही थी, तो मीना पता नहीं अपने तरीके नाल ही बना रही थी। तो यह जी थोड़ा जहा गर्म पानी पाया, नाल मेरा त्राह भी निकलता पे, ऐसे बोता पै जाए तो सारे जरा ना पानी पानी हो जाए। यह पौनी फड़ के जी असू घुमाई जाना हूँ, सॉरी जी कैमरे का यह हाल दिता हुआ, लेकिन वो क्योंकि मीना स्टैंड पे नहीं लगा हुआ था, मीना के हाथ में था, तो बच्चे फिर सारी बात इसी तरह से बना रहे होते हैं। एनीवेज ये तुसी वेखो बड़ी जबरदस्त सी किसी की फेंटी गई सी, नाल मैंने उसमें डाला जी दूध, दूध नू मैं किया उसके विच जो सा फ्रॉथिंग के लिए डाला, और बस फिर उसमें भी ना आधी कैप्चर हुई भी है, लेकिन एक बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनी थी उससे। तो मैं चक्कर आने लग पे ने यहो जहा कैमरा उन्हें चलाया होते थे। एनीवेज जी एक एक चम्मच डाला मैं कप में सबके लिए, ताहा ने कहा उसने आइस्ड कॉफ़ी पीनी है, पीती उन्हें कोई नहीं सी बात, क्योंकि कभी उसने पी कोई नहीं है इस तरह की कॉफ़ी। और ये देखे फैंट के इसका रंग कितना अच्छा निकल आया था, रियली गुड हैक। अगर आपके पास बीटर शीटर नहीं और आपने करना तो पौनी दे नाल भी जी तुसी कर सकते हो, स्ट्रेनर के साथ पकड़ के आप उसको बीट कर सकते हैं। और बस इसमें जी वो जो मैंने दूध डाला था ना, वो मीना ने कैप्चर नहीं किया, उससे कैमरा ऑन नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलें मैं हैक शेयर कर देती हूँ। इसमें सिंपल आपने जो फ्रॉथ किया हुआ गर्म किया हुआ दूध है वो एंटर करना, कह रही हूँ डालना है, और डाल के आपने इसको सिर्फ हला लू के घोल घूल के पी लेना, बड़ी अच्छी सी कॉफ़ी बन जाती है जी माशाल्लाह से। बस
कैमरा जो सा ना मैंने सीख लिया जी स्टैंड पे लगाए बच्चे के हाथ में ना दें कैमरे नूं वक्ता पिया होया ते नाल मैनूं भी अखां नूं कोई वक्ता पिया होया नूं वेख वेख के। ये जी सेकेंड डे पे आशू की एक और फ्रेंड ने घर बनाया था उसको उसकी तरफ जाना था तो उसके लिए भी बास्केट बनाई। तो इसके अलावा जी ये जी हमारे हो रहा था घर पे हमारा प्लान बना था बारबेक्यू करने का तो बस ये बैकयार्ड में बच्चों ने कहा जी कि नाल असी देखनी है मूवी तो बस ये प्रोजेक्टर जो सा है प्रोजेक्टर की एक स्क्रीन है मेरे पास पोर्टेबल तो उसको हम लोगों ने सेट किया पीछे बैकयार्ड में। तानू अपनी पूरी सेटिंग दिखानी है ये बड़ा अच्छा हैंडी सा इसका पूरी इस प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन है ना पोल्स की फॉर्म में डिफरेंट और ये बड़ी यानी कैरी बैग में आती है और लाइक अगर हम जब कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं तब भी इसको साथ ले जाते हैं तो यूज़ हो जाता है। बड़ी छोटी सी एक लाइट वेट सी ये है और इसके जो नीचे बेस है उसके अंदर पेग्स लग के आप उसको स्टेबल भी कर सकते हैं। ऐ जी ऐसी जड़ा ना इन सबको आप जॉइंट्स इसके साथ में आते हैं उनके साथ पकड़ के आप जॉइन कर दो रॉड्स को पोल्स को इसके तो फिर जिस तरह नाला पाई देना नेफे विच सलवार विच नेफे विच उंज फड़ के तुसी रॉड दे नेफे विच पा देनी है। डिग गया जी मुझे पा के पता लगा मैं गलत वाली साइड पा दी है तो मैनू इन फिर लाना पिया बस। ये कोशिश ये होती है कि जैसे वीकेंड है और कुछ ऐसे बाहर का किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी सब लोग अपने अपने उन लोगों की अपनी सबकी मसरूफियत थी आज तो हमने कहा जी हम थोड़ा सा फैमिली टाइम करते हैं आपस में बारबेक्यू करते हैं तो बस ये बच्चों के नाल रल के फिर असी पीछे जी अंगीठी पखाई और ये हम लोगों ने जी फिर जो सा ये हमारा बिल्कुल ये डाइनिंग टेबल है आउटडोर डाइनिंग टेबल है हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे उन्होंने जब हम लोगों ने ये घर लिया था तो उन्होंने हमें गिफ्ट किया था तो ये मेरे ख्याल में हमने बहुत अरसे के बाद दोबारा यूज़ हो रहा है रमजान में यूज़ हुआ होगा वरना ये फोल्ड करके इसको कवर करके हमने रखा हुआ होता है तो बस ये हमने कहा कि हम बैकयार्ड में इसको भी निकाल लेते हैं और इसका पूरा सेटअप बनाते हैं। मीना लगी सी उन्हें साफ़ सूफ करें होते हैं यहाँ पर जी गैस वाले बारबेक्यू होते हैं बड़े प्यारे प्यूरे लेकिन ये कि हम लोगों को गैस बारबेक्यू का बिल्कुल मज़ा नहीं आता समझो कोयले दे विच जायका ना आया तो सानू तो बारबेक्यू लगता नहीं तो हम मोस्टली क्या हमेशा ही चारकोल बारबेक्यू ही बनाते हैं। शुरू में एक दो दफ़ा शौक हुआ था कि शायद वो गैस वाला जो बारबेक्यू होते हैं शायद उनका भी टेस्ट अच्छा आता होगा गोरे मोस्टली वही यूज़ करते हैं लेकिन लेबनीज और जितनी हमारी देसी कम्यूनिटी है हम लोग सब प्रेफर करते हैं ये वाला यूज़ करना। तो हेलो जी साड़ा आउटडोर थिएटर भी सेट हो गया है स्क्रीन लग गई है सोफिया का मूँह उस पास ने उसी चुक दिता है ये हमने एक साइड पे टेबल निकाल के रखी जिसके ऊपर ये के जो बारबेक्यू करने के लिए चीज़ें चाहिए थी साथ में या खाने पीने की बाकी चीज़ें तो वो इसके ऊपर आ गई तो ऐसी जी बारबेक्यू किया हुआ जो मैरिनेटेड गोश्त मटेरियल से सारा वो और सॉस वगैरह नान वगैरह सब कुछ उस पर रख दिए कुछ कितनी ज़बरदस्त किस्म की आग जलना शुरू हो गई है। और ये ले जी बारबेक्यू स्टार्ट हो गया है हम इन लोगों ने मलाई बोटी बनाई थी चिकन टिक्का और सीख कबाब और चॉप्स थे। मूवी भी बच्चों के साथ स्टार्ट हो गई थी साथ साथ बारबेक्यू हो रहा था तो माशाल्लाह से एक अच्छे ही रौनक वाला काम हो गया था बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम हमारा अपना स्पेंड हो गया था। तो
ये जी पोस्ट फिर जरा होती है ना इस तरह फिर क्लीन अप तो करना पैंता उस चीज़ें निकाली जा रहे होते हैं हम लोग तो बारबेक्यू कहने को होता है कि जी आदमियों ने करना लेकिन उत्ते दे सारे काम सानू आप करने पैंदे ने पहले मैरीनेशन भी गोश्त होना मैरीनेशन करना बाद की क्लीन अप और ड्यूरिंग द बारबेक्यू भी उनको जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं ना उसके लिए वो आपको ही आवाज़ें दे रहे होते हैं तो कहने को होता है कि बारबेक्यू बंदे करते हैं लेकिन साढ़े बच्चे तो फिर यही होंगे कि बाद अगे पिछे जिन्हें काम होंगे वो आप ही करने पैंते हैं तो बस ये दुआ मेरे साथ आके थोड़ी देर यहाँ पर बैठी उससे बातें शातें करते करते मेरा जो ना किचन समेटा गया और साफ़ हो गया। और ये जी फिर एक दिन बीच में थी दुआ की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी सब्जेक्ट सिलेक्शन की और हम लोग जौन सा है ना उसके बाद दोनों माँ बेटी जौन से ना हमने कहा चलो जी हम दोनों ब्रेकफास्ट करने चलते हैं तो ये हम दोनों गए थे जी ब्रेकफास्ट करने मैं और दुआ। ब्रेकफास्ट तो नहीं था सॉर्ट ऑफ ब्रंच का टाइम हो गया था लेकिन मज़ा आया था थोड़ा सा हम लोगों का आपस में टाइम अच्छा गुजरा दोनों माँ बेटी का। और आई थिंक कि पेरेंट्स को वन ऑन वन बच्चों के साथ बारी बारी निकलना चाहिए बच्चों के साथ थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए नॉट एज अ ग्रुप। जैसे माशाल्लाह से मेरे तीन बच्चे हैं तो तीनों का डिफरेंट एज ग्रुप है तो वो कन्वर्सेशन वैसी कंस्ट्रक्टिव नहीं होती बच्चों के साथ आपकी वैसे बॉन्डिंग नहीं उस तरह से डेवलप होती बनस्बत इसके कि जब आप वन ऑन वन टाइम स्पेंड करते हो तो मुझे लगता है कि बच्चे आपके साथ ज़्यादा बातें शेयर करते हैं और ज़्यादा बात डिस्कशंस होती हैं आपकी। उत्थू जी चले गए कोल इसी साढ़ा फेवरेट स्टोर TK Maxx तो हम लोग वहाँ चले गए। यहाँ से फिर हम लोग निकले थे हम लोगों का प्लान था कि अल्टोना बीच पे चलते हैं लेकिन अल्टोना बीच पे हो रही थी कंस्ट्रक्शन आई थिंक वो समर के लिए रेडी रूडी कर रहे हैं उन्होंने तो फिर हम लोग वहाँ तो नहीं गए रुके नहीं फिर वापस घर आ गए। यहाँ से मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं खरीदी थी बस हम लोगों ने स्किमिंग थोड़ी सी की थी विंडो शॉपिंग की थी थोड़ी सी और बस देख दुख के चीज़ें जो से ना हम लोग वापस आ गए थे वहाँ से। मैंने रिसेंटली एक लिया है मोप प्लस वैक्यूम तो वो उसका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में। इट्स ए गोइंग वेरी गुड बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा जा रहा है तो मैं आप लोगों के साथ भी उसको ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट डे किसी व्लॉग में। एनीवेज जी बिज़नेस एज़ यूजुअल ये एक दिन बच्चों की वो ऐप चल नहीं रही थी जो बस स्कूल ऐप है तो फिर मैं बच्चे क्योंकि घर के साथ वाली स्ट्रीट में से बस कैच करते हैं तो मैं उनके साथ ही फिर गई तो उनको छोड़ने के लिए तो प्रिटी मच ये अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी वीक था अच्छा वीक था गुजर गया अल्लाह का शुक्र है अब आ गया वीकेंड आपके साथ वीकेंड की भी रूटीन शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला और साथ में मैं आपके साथ जो वैक्यूम प्लस मोप है उसकी भी शेयर करूँगी। चलिए जी मुझे दीजिए आप इजाज़त दुआओं में याद रखिएगा और अगेन के माजरत के बहुत रेगुलर व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि वापस उसी रूटीन पे आया जाए चाहे थोड़ी सी 5-6 मिनट का चाहे व्लॉग हो लेकिन एक डेली रूटीन वाला व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए कि एज़ अ वर्किंग वूमेन फुल टाइम मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करती हूँ वर्क लाइफ बैलेंस के साथ। चलिए जी अपना अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए इजाज़त दें अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें।